focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. आई थिंक वो भी अपनी जगह सही है जो एथलीट कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लिए कुछ चेंज होता है तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम कैजुअल अगर देखें तो नॉर्मली हम भी नहीं रोज चाहते ना कि हम सेम कपड़े डालें। सो अगर कुछ चेंज हुआ तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको डालना चाहिए। और सबसे पहले ये है कि हमें उस चीज़ को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम कम्फर्टेबल तब तक फील नहीं हो सकता हमें। सो अच्छा है कि जो भी हमें मतलब मिल रहा है, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो हमें, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो गेम पे होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट गेम में कुछ अच्छा करना है और हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहिए स्पेशली सेरेमनी किट को लेके। अभी कोरिया का टूर आ रहा है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है, अगर तैयारी की बात करें और टीम प्रिपरेशन, टीम कंपोजिशन, वेयर इज द टीम स्टैंडिंग एट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ? अभी टीम काफ़ी अच्छी फॉर्म में है कि फिटनेस वाइज देखो तो काफ़ी टीम ने पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। और कोरिया टूर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम से पहले एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है आपको अपना कॉन्फिडेंस और गेन करने के लिए। और हमें यही है कि हमें कोरिया टूर में डे बाय डे और मैच बाय मैच हमें अच्छा परफॉर्म करना ताकि हम एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में जा सकें और कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके हम मैच बाय मैच हम लोग अच्छा परफॉर्म करें और एक मेडल लेके आए।